इसराइल की ओर से हमास के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन से लेबनान का हिजबुल्ला संगठन भड़का हुआ है। हिजबुल्ला लड़ाके उत्तरी इसराइल पर जमकर हवाई हमले कर तबाही मचा रहे हैं। ऐसे में इजरायली बलों को कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने को मजबूर होना पड़ा है। इजरायली पीएम खुद लेबनान के चरमपंथी संगठन को हमला न करने की चेतावनी दे चुके हैं, मगर ईरान समर्थित हिजबुल्ला उतनी ही तेजी से इजरायल पर हमलावर है। हिजबुल्ला दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक संगठनों में एक गिना जाता है। ऐसे में ये संगठन हर गुजरते दिन के साथ इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। इस बीच अरब देशों की न्यूज एजेंसी अल मयादीन ने दावा किया है कि लेबनान के बढ़ते खतरे को देखते हुए इजरायली पीएम ने सीज फायर का मन बनाया है। इसके लिए एक नया फ्रांसीसी राजनयिक प्रयास शुरू हुआ है, जो कि इजरायली पीएम नेतन्याहू के अनुरोध के बाद एक्टिव बताया जा रहा है। मालूम हो कि फ्रांस ने पहले भी लेबनान और इसराइल के बीच हालातों को शांत करने की कोशिश की थी, मगर वो उस समय ऐसा करने में विफल रहा था, जिसे एक बार फिर से नेतन्याहू ने फ्रांसीसी पहल को शुरू करने को कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति आवास में हुई हाल की बैठकों ने इस बात की तस्दीक की है। इसमें इमैनुअल मैक्रों, लेबनानी पीएम नजीब मिकाती और सेना कमांडर जनरल जोसेफ ऑन शामिल थे। माना जा रहा है कि ये पिछली फ्रांसीसी पहल को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से किए गए प्रयास का ही हिस्सा था। दावा है कि मैक्रों ने लेबनानी पीएम को फ्रांसीसी पहल की प्रगति के बारे में जानकारी दी, साथ ही उम्मीद जताई कि नजीब मिकाती नए प्रस्तावों के संबंध में लेबनानी पार्टियों से प्रतिक्रिया मांगेंगे। खबरों की माने तो पिछले प्रस्ताव में लेबनान और इसराइल को अलग करने वाली ब्लू लाइन से 7 किलोमीटर दूर जाने के बदले में इसराइल को लेबनानी साइटों को निशाना बनाना बंद करने का सुझाव दिया गया था, जिसको लेबनान खासतौर से हिजबुल्ला ने मानने से साफ इनकार कर दिया था। बदले में उसने इसराइल से सैन्य अभियानों को रोकने की बात कही थी। अलमयादीन की रिपोर्ट की माने तो फ्रांस की पहल में बदलाव किया गया है। इसमें पहले इजरायली अनुरोध को छोड़ दिया गया कि लेबनानी प्रतिरोध ब्लू लाइन से 7 किलोमीटर दूर चले जाएं। इसके बजाय हिजबुल्ला बॉर्डर से अपनी विशिष्ट सैन्य क्षमताओं को वापस ले ले। बदले में इजरायल लेबनानी हवाई क्षेत्र में सभी सैन्य अभियानों और उल्लंघनों को रोक देगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नेतन्याहू के इस कदम का अमेरिका ने भी समर्थन किया है, जो पहले ही मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर काफी गंभीर दिख रहा है। माना जा रहा है कि बीते दिनों सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर कथित इजरायली हमले के बाद से मिडिल ईस्ट जंग की भट्टी में धधक रहा है, जहां इजरायल ईरान समर्थित प्रॉक्सी वॉर से जूझ रहा है, तो वहीं अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भी भीषण एयर स्ट्राइक हो रही है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि जंगी भंवर में फंसे इसराइल के लिए सीज फायर किस हद तक हिजबुल्ला की चुनौती से बचा सकने में कारगर साबित होता है।